नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कांगड़ा वैली की ब्रांच काउंसिल का अधिवेशन पपरोला में संपन्न हुआ। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन NRMU शाखा कांगड़ा वैली की ब्रांच काउंसिल कामरेड कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्थ रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा, जोनल अध्यक्ष कामरेड SK त्यागी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष एवं यूथ जोनल कन्वीनर कामरेड मनोज श्रीवास्तव के अलावा मंडल स्तर के सभी साथियों ने भाग लिया। इस दौरान ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा द्वारा शाखा के यूनियन पपरोला कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। महामंत्री ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए न्यू पेंशन स्कीम, फिटमेंट फार्मूला में सुधार, रेल में निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में 72 घंटे की भूख हड़ताल में पूरे देश में 4 लाख रेलवे कर्मियों ने हिस्सा लिया। मिश्रा ने बताया कि अगर अभी भी केंद्र सरकार की आंख नहीं खुली तो आने वाले समय में रेल कर्मचारी रेल का चक्का जाम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ रेल प्रशासन भी गूंगा बहरा बना हुआ है, जिससे रेल कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त आए हुए अन्य पदाधिकारियों ने भी बैठक को संबोधित किया। पपरोला शाखा है नॉर्दर्न रेलवे यूनियन का, उसका उद्घाटन जो है यहाँ पर हमारे साथियों ने रखा है। साथी शिवदेव जी जो है वो जुड़ने सकती हैं और विजय गुलोलिया इनके जो है वो शाखा मंत्री हैं। इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष साथी जो है वो इसके त्यागी भी आए हुए हैं, हमारे कोषाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव जी भी हैं और केंद्रीय को उपाध्यक्ष साथी प्रवीण और साथी घनश्याम सिंह भी हम लोगों के बीच में। अभी जो चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, बेसिकली वो सबसे बड़ी चुनौती है नई पेंशन स्कीम की। रेलवे में एक जनवरी 2004 के बाद 5 लाख से ऊपर युवा साथी आ चुके हैं जो कि पेंशन योजना से कवर्ड है, और रेलवे में हर साल 300-400 लोग अपनी शहादत देते हैं इन ट्रेनों को चलाने के लिए। इतनी ज़्यादा शायद डिफेंस के लोग भी नहीं देते, लेकिन डिफेंस में लोगों को सरकारी खजाने से पेंशन मिलती है और हमारे नहीं मिलती। हमारे लोग बहुत ज़्यादा इस सवाल को लेकर आंदोलित, जो मिनिमम वेज नहीं बढ़ाया है 18,000 है उसको लेकर के लोग आंदोलित, जो ट्रीटमेंट फार्मूला नहीं बदल रहा है उसको लेकर आंदोलित, खाली जगह 1.5 लाख पड़ी हुई हैं भरी नहीं जा रहे हैं उसके लिए आंदोलित, इनकी वर्किंग कंडीशन और लिविंग कंडीशन में सुधार नहीं हो रहा उसके लिए आंदोलित, इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी 8 से 11 तक हम लोगों ने श्रमिक अनशन किया सारे देश भर में। करीब 4 लाख लोग रेल कर्मचारियों ने भाग लिया, तो ये आंदोलन को भी और आगे हम लोग बढ़ाएंगे और अगर भारत सरकार मान जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुकम्मल संघर्ष करने का होगा।